ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यानान्ति योगिना कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो घनोद प्रचलित सकल भूतल कलकड़ा मुनि भिरूपा सती तथा सरस्वती हरतु नो दुरितानम्। अज्ञान तिमिर धारानम् ज्ञान उज्जलन सकलाया चक्षुरुम रिलिस क्या है ये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। इसका अर्थ ये है कि हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं रोज मंगलाचरण, एक दिन क्लास में मंगलाचरण के ऊपर ही ले लूंगी इसका, तो कुछ कुछ अशुद्धियां हुई हैं तो दोबारा से मैं मंगलाचरण करती हूँ। इस बार ध्यान से पढ़िएगा, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतुनो दूरितान्। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारी चर्चा सम्यक के चौथे गुण अमूर्त दृष्टि अंग की कथा पे चल रही थी। कल हमने रेवती रानी की कथा पढ़ी थी, आज हम अमूर्त दृष्टि अंग का वर्णन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में से 14वें श्लोक में से अमूर्त दृष्टि अंग का वर्णन पढ़ेंगे, क्योंकि काफी अच्छा मतलब लाइफ का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उस प्रकार से समझाया गया है इसमें। तो हमें ख्याल में भी आएगा कि जो जो खोटी चीजें संसार में चल रही हैं वो क्या क्या हैं और हमें क्या क्या नहीं करना है, कैसी मूर्ताएं नहीं करनी है। नरक त्रियंश को मनुष्य आदि गतियों का घोर दुखों का मार्ग ऐसा जो मिथ्या मार्ग उसकी तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की जो मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता तथा काय से हाथ की उंगुलियां नखादि मिलाकर सराहना नहीं करता वह अमूर दृष्टि है। तो जो मिथ्या मार्ग पर चलने वाले हैं और कुमार्गी मिथ्या मार्गी दोनों सेम ही चीज है, उन पर चलने वाले जो मनुष्य हैं उनकी मन में भी नहीं सोचता कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं, वचन से नहीं बोलता कि जैसे कोई है तो उसको ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम अच्छा कर रहे हो, या फिर किसी तीसरे इंसान को नहीं बोलेगा कि वो देखो वो कितना अच्छा कर रहा है। फिर काया से भी ऐसी चेष्टाएं नहीं करेगा, जैसे नमस्कार आदि नहीं करेगा जिससे कि लगे कि वो उनका सराहना कर रहा है या फिर उनको बढ़ावा दे रहा है या फिर अनुमोदना कर रहा है किसी भी प्रकार से। तो वह मन वचन और काय से कृत कारित अनुमोदना तीनों नहीं करता है तो वो अमूर्त दृष्टि है। भावार्थ, यहाँ संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभाव न देखकर प्रशंसा करते हैं, देवियों के पास जीवों का घात विराद न देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं, 10 प्रकार के कुदान को अच्छा समझते हैं। शॉर्ट में चलेंगे हम ताकि हम एक एक को समझ पाए कि क्या हो रहा है। तो जो रागी द्वेषी देव हैं उनकी बहुत पूजा प्रभावना देखी जाती है,
उसको देख के संसारी जीव को ऐसा लगता है कि वाह कितने अच्छे हैं ये लोग, मतलब इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, सब इनको मान रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा होगा, ऐसा संसारी मिथ्यात्वी जीव को लगता है, ऐसा प्रभाव दिखता है। तो फिर देवियों के पास जो जैसे ये कौन सी देवी आदि होती है जिनके आगे बलि दी जाती है, तो उनके आगे जो जीवों की विराधना हो रही है उसको देख के वो प्रशंसा करते हैं। फिर 10 प्रकार के कुदान को अच्छा समझते हैं। मुझे 10 प्रकार के कुदान नहीं पता है, अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम बाद में पूछ के कंफर्म करेंगे। पता है क्या किसी को? ठीक है, पूछेंगे किसी से। तो 10 प्रकार के कुदान को अच्छा समझते हैं संसारी जीव। फिर यज्ञ होम आदि की तथा खोटे मंत्र तंत्र मारण उच्चाटन आदि कार्यों की प्रशंसा करते हैं। तो यज्ञ आदि जो होते हैं जिसमें बहुत अग्नि जला के और वो होम मतलब स्वाहा स्वाहा क्या धूप आदि से करते हैं, जो बहुत धुआं होता है, ऐसे यज्ञ होम की और खोटे मंत्र तंत्र जो चलते हैं, मतलब ये जो मंत्र आदि चलते हैं बाहर में, इनसे थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है लेकिन वो खोटे होते हैं, वो तो किसी का पुण्य पाप का उदय होता है तभी ये मंत्र काम कर जाते हैं बाय चांस, तो ऐसे कार्यों की प्रशंसा नहीं करते, मतलब करते हैं। यहाँ पे संसारी जीव का भी चल रहा है। फिर कुआ बावड़ी तालाब खुदवाने की प्रशंसा करते हैं। कुआ आदि मतलब किसी ने खुदवा दिया तो चलो बहुत सारे लोगों का भला होगा, सब इस पे पानी पिएंगे, इस प्रकार की जो चेष्टा है वो उसको प्रशंसा करते हैं। फिर कंदमूल शाक पत्र आदि खाने वालों को उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं। पंचावनी तपने वाले, बाघांबर ओढ़ने वाले, भस्म लगाने वाले और ऊपर की ओर हाथ करके रहने वालों को महान उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं। तो एक पंचावनी तप होता है बहुत डिफिकल्ट कुछ, उन वो करने वाले। फिर बाघांबर, अगर आपने देखा हो तो वो जो शंकर जी होते हैं और या फिर उनके जो वो लोग होते हैं, वो एक लॉयन क्या बोलते हैं टाइगर के जैसा वो उसका वो ओढ़ते हैं कुछ तो कपड़े जैसा, उनको ओढ़ने वाले। भस्म लगाने वाले, ये तो मतलब शंकर जी वाले लोग करते ही है भस्म आदि लगाना। फिर ऊपर की ओर हाथ करके रहने वालों को, ये मुझे नहीं पता है ये कहाँ से आया है, ये कुछ प्रथा चलती होगी या कुछ ऐसा चलता होगा तब के ऊपर की ओर हाथ करके रहने वालों को उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं। फिर गेरू से रंगे वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र। हेलो हाँ, ये जो ऊपर की ओर हाथ रख के करते हैं ना, उसे हठ योगी कहते हैं। अच्छा, और वो हठ लेके एक जात की तपस्या करते हैं कि इतने साल तक मैं ऐसे हाथ या पैर रखूंगा या खड़े रहूंगा तो उसके फल में कुछ भी प्राप्ति हो, तो उसे हठ योगी कहते हैं। ओ ठीक है जी, तो मतलब ये भी एक प्रकार का तप है जो खोटा तप। जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। गेरू से रंगे वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनने वाले कुलिंगियों के मार्ग की प्रशंसा करते हैं। फिर खोटे तीर्थों को और खोटे रागी द्वेषी मोही वक्र परिणामी शस्त्रधारी देवों को पूज्य मानते हैं। तो ये तो नॉर्मली हमें सीधे ही समझ में आ रहा है कि जो भी बाहर के आजकल देव देवी दिखाई दे रहे हैं वो लोग शस्त्र आदि धारण किए होते हैं, मोही होते हैं मतलब स्त्री आदि का उनको संग होता है, फिर रागी द्वेषी होते हैं, अगर कोई भक्त उनसे उनकी पूजा करे तो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई उनकी अवज्ञा करे तो वो द्वेष करने लगते हैं, तो ऐसे रागी द्वेषी मोही वक्र मतलब शायद से क्रूर परिणामी शस्त्रधारी देवों को पूज्य मानते हैं।
जोगिनी यक्षिणी क्षेत्रपाल आदि को धन को देने वाला व रोग आदि को दूर करने वाला मानते हैं। यक्ष क्षेत्रपाल पद्मावती चक्रेश्वरी इत्यादि को जिनशासन के रक्षक मानकर पूजते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्रपाल और पद्मावती का आजकल जो बहुत बढ़ गया है उसकी सीधे सीधे यहाँ पे लिखा है कि जिन शासन के रक्षक मानकर इनकी जो पूजा करते हैं वो भी गलत है। अभी रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में ही इसके आगे वाले प्रकरण में थोड़ा सा पूरा स्पष्ट बताया है कि क्षेत्रपाल और पद्मावती को क्यों नहीं मानना। तो कभी अगर टाइम मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो आप तो जरूर पढ़ना ही उसको। बहुत मतलब लॉजिकल उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि इनकी सबसे पहले एंट्री करते से ही पूजा करते हैं, इनको ऐसा मानते हैं कि इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की धरनेन पद्मावती ने, तो फिर हमारी भी रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो जो संसारी मिथ्या दृष्टि है वो इन सबको मानता है। फिर देवताओं के कबलाहार मानकर तेल लपसी पुआ बड़ा तथा इत्र फूलमाला इत्यादि से देवता प्रसन्न होना मानते हैं। फिर क्या है ये सब कुछ कुछ आता है, ये मुझे भी नहीं पता। ये पुआ वगैरह चढ़ाते हैं, फिर बासी खाने से भी मानते हैं कि बासी खाना चढ़ाएंगे खाएंगे तो उससे भी कुछ होगा। इस प्रकार से बहुत सारी मतलब भ्रांतियां फैली हुई हैं। देवताओं को रिश्वत सौंक देने का वचन कहते हैं कि यदि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए तो तुम्हारे लिए शस्त्र चढ़ाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, रुपया दूंगा, जीवों को मारकर चढ़ाऊंगा, सवामणि करूंगा तथा बच्चे जी जावे इसके लिए उनकी चोटी जड़ूला उतराऊंगा इत्यादि अनेक बोली बोलते हैं। वह सब तीव्र मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है। तो जो ये मन्नत आदि मानते हैं कि अगर मेरा ऐसा हो गया तो मैं ऐसा इतने रुपए चढ़ाऊंगा या फिर ये चीज दूंगा मंदिर में, तो इस प्रकार की जो मिथ्या मान्यताएं हैं तो ये सब तीव्र मिथ्यात्व का उदय है। फिर बच्चों के बाल आदि भी उतरवाते हैं। फिर आजकल क्या है वो जो तिरुपति बालाजी में जाके भी बाल आदि उतरवाते हैं उससे भी कुछ मानते हैं वो लोग। तो ये सब सब खोटी मान्यताएं हैं। जहां जीवों की हिंसा है वहां पाप महा घोर पाप है। देवताओं के निमित्त से और गुरुओं के निमित्त से की जाने वाली हिंसा संसार समुद्र में डुबोने वाली ही है। कोई भी देवताओं के भय से लोभ से लज्जा से हिंसा के आरंभ में कभी मत प्रवर्तो। तो हमारा जैन धर्म तो कैसा अहिंसावादी है, लेकिन ये सब जितने भी जीवों की हिंसा हो रही है इस सब से तो कितना महान पाप लगेगा। और जो बलि देने आदि का कार्य करते हैं उससे तो मतलब सीधे सीधे ही पंच इंद्रिय जीव का एक एक तरीके से मर्डर कर दिया तुमने कि पूजा के नाम पे। फिर जो देव ये खोटे देवता और गुरु हैं वो पत्थर की नौका के समान है और ये संसार में हमें डुबोएंगे ही। शैडाला में पंडित दौलत राम जी ने भी इसका लिखा है तीसरी डाल में ही। तो कोई भी देवताओं के भय से या फिर लोभ से किसी लोग से कि मेरा अच्छा हो जाएगा इसलिए मैं ऐसा करूं, या लज्जा से कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा नहीं मानूंगा या मानूंगी, तो इस प्रकार के भय लोभ और लज्जा से कभी भी हिंसादि में नहीं प्रवर्तना है। दयावान की तो देव रक्षा ही करते हैं। जो किसी का अपराध नहीं करता बैर नहीं करता उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते हैं। जो दयावान है जैसे हमने अभी जो किसी का अपराध नहीं करता बैर नहीं करता उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते, तो देव आदि तो स्वयं ही रक्षा करने आ जाते हैं अगर जो जिन धर्मी होता है और किसी पे मतलब ऐसे हिंसादि में नहीं प्रवर्तता।
रागी द्वेषी शस्त्रधारी जो देव हैं वे तो स्वयं ही दुखी हैं, भयभीत हैं, असमर्थ हैं। यदि वे स्वयं समर्थ हो, भय रहित हो, तो शस्त्र धारण क्यों कैसे करते हैं? तो जो भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और भी जो भी होते हैं, इन सबके पास हम शस्त्र देखते हैं। तो शस्त्र कौन रखता है? जिसको किसी का भय हो, जिसको ऐसा भय हो कि मेरी शस्त्र के बिना रक्षा नहीं हो पाएगी, या फिर कोई मेरा द्वेष वो है, एनिमी है, तो वो मुझे मारने आ जाएगा, तो उसकी रक्षा के लिए। लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? इस सब से रहित हैं, क्योंकि ना उन्हें किसी से राग है, ना द्वेष है, तो उन्हें किसी का भय भी नहीं है। और जिससे भूख लगती है वह ही भोजन आदि सामग्री द्वारा अपनी पूजन कराना चाहता है। इसलिए खोटे मार्ग जो संसार में पतन के कारण है, ऐसा मिथ्या दृष्टियों के त्याग, व्रत, तप, उपवास, भक्ति, दान आदि की तथा इनके धारण करने वालों की मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना, वह अमूर दृष्टि नाम का सम्यक्त का चौथा अंग है। तो ये जो भी प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि इनके भगवान को फिर भूख लगती है। ये ऐसा 56 भोग चढ़ा रहे हैं आदि जो भी चढ़ा रहे हैं, फिर उसके नाम पे प्रसाद बांट रहे हैं, तो ये तो फिर हमारे जैसे ही हुए ना। ये जो फिर इनका देव देवी पना कैसे रहा, अगर ये शस्त्र आदि से अपनी रक्षा कर रहे हैं, स्त्री आदि के साथ हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो फिर हमसे क्या डिफरेंट हुए? तो ये सब खोटे देव हैं और खोटे मार्ग में संसार में डुबाने के कारण है। तो ऐसे जो भी हैं, उनकी मन वचन और काय से प्रशंसा नहीं करना, वह अमूर दृष्टि अंग है। इसलिए देव को देव का, धर्म को धर्म का, गुरु को गुरु का, पाप पुण्य का, भक्ष अभक्ष का, त्याज अत्याज्य का, त्याज मतलब जो छोड़ने योग्य है, अत्याज्य मतलब जो छोड़ने योग्य नहीं है, या कहें जो ग्रहण करने योग्य है, आराध्य अन आराध्य का, कार्य अकार्य का, शास्त्र कुशास्त्र का, दान कुदान का, पात्र अपात्र का, देने योग्य नहीं देने योग्य का, युक्ति कुयुक्ति का, कहने योग्य नहीं कहने योग्य का, ग्राह्य अग्राह्य, ग्रहण करने योग्य और नहीं ग्रहण करने योग्य का, अनेकांत रूप सर्वज्ञ वितराग के परमागम से अच्छी तरह जानकर निर्णय कर मूर्ता रहित होना, पक्षपात छोड़कर व्यवहार निश्चय में विरोध रहित होकर यथावत श्रद्धान करना, वह अमूर दृष्टि नाम का चौथा अंग है। तो इतने सारे जो भी दिए हैं, और इसमें भी बहुत सारी चीजें और भी गर्वित होंगी, तो उस सब का निर्णय करना कि इन सब का स्वरूप क्या है, देव का स्वरूप क्या है, कुलदेव का स्वरूप क्या है, इस प्रकार सारे स्वरूप जान के और फिर निर्णय करना कि हमको कौन सा ग्रहण करना है हम और कौन सा छोड़ना है, वो भी किससे? अनेकांत रूप से अच्छी तरह जानना है और निर्णय करना है, तभी मूर्ता दूर होगी। पक्षपात छोड़कर, किसी प्रकार का पक्ष नहीं करना है, हमें सच्ची बात समझनी है, और व्यवहार निश्चय के विरोध से रहित होकर यथावत श्रद्धान करना, वह अमूर दृष्टि नाम का चौथा अंग है। तो इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी जो भी लौकिक में अभी चल रही हैं। किसी को कुछ ऐड करना है या फिर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे बुक में से पढ़ते हैं हम। जो हमारी सम्यक कथा चल रही थी उसमें से अमूर दृष्टि अंग का वर्णन हम पढ़ते हैं। तो अभी हमें थोड़ा थोड़ा मैच करेगा जो अभी हम पढ़ के आए हैं एग्जाम्पल सुन के उससे।
जिसने आत्मा के हित का सत्य मार्ग जाना है ऐसा धर्मी जीव सच्चे झूठे की परीक्षा में जरा भी उलझन में नहीं आता। सच्चे देव गुरु धर्म को तथा मिथ्यात्व देव गुरु धर्म को भली भांति पहचान कर वह मिथ्या मार्ग की प्रशंसा भी छोड़ देता है। अंतर में तो मिथ्या मार्ग को दुखदायक जानकर छोड़ा ही है और मन से वचन से और काय से भी वह कुमार की प्रशंसा या अनुमोदना नहीं करना करता। तो जिसने सच्चे झूठे की परीक्षा कर ली तो उसको बिल्कुल भी ऐसी डाउटफुलनेस या उलझन नहीं रहेगी कि कौन सी चीज सच्ची है कौन सी चीज झूठी है। तो वो बिल्कुल भी मिथ्या मार्ग की प्रशंसा नहीं करेगा मन वचन और काय से, ना ही किसी प्रकार से अनुमोदना करेगा। वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत और सिद्ध भगवान के अतिरिक्त दूसरे किसी देव को वह नहीं मानता। रत्नात्रधारी निर्ग्रंथ मुनिराज के अतिरिक्त दूसरे किसी कुगुरु को वह नहीं मानता। तो यहाँ पे देव का स्वरूप कह दिया कि वीतरागी सर्वज्ञ ऐसे जो अरहंत और सिद्ध भगवान है उनके अतिरिक्त किसी और को देव नहीं मानता। फिर गुरु के स्वरूप में रत्नात्रधारी जो तीन रत्नात्रय के धारी हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज के अलावा किसी को किसी भी कुगुरु को नहीं मानेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो वीतराग धर्म उसके अतिरिक्त दूसरे किसी धर्म को वह मोक्ष का कारण नहीं मानता और उसे सेवन नहीं करता। तो यहाँ पे कुदेव फिर कुगुरु और कुधर्म तीनों का बता दिया। धर्म में बताया कि जो वीतराग धर्म है उसके अलावा किसी और को मोक्ष का कारण नहीं मानेगा और उसको उसका सेवन मतलब उसको ग्रहण भी नहीं करेगा। इस प्रकार देव गुरु धर्म संबंधी मूर्ता धर्मी को नहीं होती। वही बात हो गई, कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानने वाले जीव समाज में करोड़ों मूल लोग द्वारा पूजाते हो, अरे उसके पास देव आता हो तो भी धर्मी को मार्ग की शंका नहीं होती। तत्व में वह उलझन में नहीं आता। ऐसे जो कुगुरु कुदेव को मान रहे हैं ऐसे जो जीव हैं उनको भी करोड़ों जीव मान रहे हो तब भी जो सम्यक दृष्टि जो धर्मी है उसको ऐसी शंका नहीं होगी कि कहीं मैं तो गलत नहीं मान रहा, क्योंकि उसको तत्व में उलझन नहीं है बिल्कुल भी। उसको पता है कि सच्चे देव का स्वरूप ऐसा है तो ऐसा ही है, चाहे अब करोड़ों माने या कितने भी लोग माने। निश्चय जो अपना शुद्धात्म स्वरूप है उसमें तो उलझन में नहीं आता और व्यवहार में अर्थात की देवशास्त्र गुरु तत्व इत्यादि के निर्णय में भी वह उलझन में नहीं आता। सुख का मार्ग ऐसा वीतरागी जैन मार्ग और दुख का मार्ग ऐसे कुमार्ग उनकी अत्यंत भिन्नता पहचान कर कुमार का सेवन प्रशंसा अनुमोदना सर्व प्रकार से छोड़ता है और सत्य मार्ग को सेवन करता है। तो निश्चय से तो अपने शुद्धात्मा का जो स्वरूप है उसमें कोई उसको उलझन नहीं होती कि मेरे आत्मा का स्वरूप कैसा है, क्योंकि उसको आत्मा का भान हो चुका है। और बाहर में व्यवहार में उसको देव शास्त्र गुरु की सात तत्वों की द्रव्यों की विश्व आदि जितनी भी चीजें हैं उनके निर्णय में उसको उलझन नहीं होती, डाउटफुलनेस नहीं होती। फिर सुख का मार्ग ऐसा वीतरागी जैन मार्ग और दुख का मार्ग कुमार्ग है, उन दोनों की भिन्नता पहचानता है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। और जो गलत मार्ग है कुमार्ग है उसकी उसका सेवन प्रशंसा अनुमोदना तीनों नहीं करता। कुमार को मानने वाले जीव बहुत हो और सच्चे मार्ग को जानने वाले जीव तो थोड़े ही होते हैं, परंतु इससे धर्मी उलझन में नहीं आता कि कौन सा मार्ग सत्य होगा। अरे मैं अकेला हूँ तो भी मेरे हित का मार्ग जो मैंने जाना है वही परम सत्य है और ऐसा हित मार्ग बतलाने वाले
वीतरागी देव गुरु ही सत्य है। स्वानुभव से मेरा आत्म तत्व मैंने जान लिया है, उससे विरुद्ध जो कोई मान्यता हो वह सब मिथ्या है। तो कुमार को मानने वाले बहुत अभी भी बहुत हैं, और सच्चे मार्ग के तो थोड़े ही जीव हैं जो सच्चे मार्ग में हैं। तो उस चीज में धर्मी को ऐसी उलझन नहीं आएगी कि मैं सच्चे मार्ग पे हूँ कि नहीं हूँ। चाहे वो अकेला भी हो जाएगा तब भी उसको ऐसा ही रहेगा अंदर से कि मैंने इस मार्ग को सच्चा माना है और यही परम सत्य है, और इसको सच्चे वीतरागी देव गुरु ने बताया है, तो ये मार्ग सत्य है। उसके अलावा उसने स्वानुभव से, आत्मा की अनुभूति से भी ऐसा उस मार्ग का सत्यपना अंदर में उसको भाषित हो गया है। तो इसलिए बाकी जो भी मार्ग है वो सब मिथ्या है। इस प्रकार निशंक रूप से धर्मी ने कुमार की मान्यता को असंख्य प्रदेशों से छोड़ दी है। वह शुद्ध दृष्टिवंत जीव किसी भय से, आशा से, स्नेह से या लोभादि से कुदेवादि को प्रणाम विनय नहीं करता। तो जिसे शुद्ध आत्मा की दृष्टि है ऐसा जीव किसी भी भय से या कुछ मिल जाएगा ऐसी आशा से या फिर किसी के स्नेह से के ये मेरा जैसे कोई भी फैमिली मेंबर आदि भी हो तो उसके प्रति अगर बहुत स्नेह है तो उसके स्नेह से या फिर लोभ से के फिर से वैसा ही कि धन आदि मुझे मिले ऐसा लोभ से जो है वो कुदेव आदि को प्रणाम भी नहीं करेगा। अरे जीव, तुझे ऐसा मनुष्यपना मिला, ऐसे सत्य जैन धर्म का योग मिला, तो अब इस अवसर में तेरी विवेक बुद्धि से सच्चे मिथ्या की परीक्षा करके निर्णय कर, आत्मा को परम हित कर, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के मार्ग का स्वरूप समझकर उसका सेवन कर। हमें ये मनुष्य भव मिला है, ये कितना दुर्लभता से मिला है। छेड़ाला में आता है कि दुर्लभ लई जो चिंतामणि, जो पर्याय लई त्रष्टणी। तो पहले तो एक इंद्रिय पर्याय मिलना चिंतामणि के समान दुर्लभ है, उसके बाद भी हमको मनुष्य भाव, फिर उत्तम कुल, जैन धर्म ये सब मिला है। तो ऐसा जो योग मिला है तो इस मौके पर, इस अवसर पर हमें अपना विवेक लगाना चाहिए और हमें परीक्षा करनी चाहिए। अभी कोई कुछ चीज खरीदने की या फिर व्यवहार की कुछ बात आती है ना तो हम बहुत परीक्षा करके लेते हैं, लेकिन यहाँ जब धर्म की बात आती है तो हम अपनी विवेक बुद्धि पता नहीं कहाँ रख देते हैं। तो हमें धर्म में भी वैसी विवेक लगाना है कि कौन सी चीज सच्ची है, कौन सी झूठी। आजकल तो सिर्फ कुदेव कुगुरु में क्या बोले, आजकल तो जैन धर्म में भी इतनी भ्रांतियां चली है ना कि जैन धर्म में भी हमें विवेक लगाना पड़ेगा कि कौन सही है, कौन गलत है और सच्चा मार्ग क्या है। तो इस प्रकार से परीक्षा करनी होगी हर एक चीज की। और जो सच्चा मार्ग है वो हम जिनवाणी के थ्रू अपनी अपनी लॉजिकल थिंकिंग से तो पता लगा ही सकते हैं। तो आत्मा को परम हित कर, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के मार्ग का स्वरूप समझकर उसका सेवन कर। तो ये हमारा विषय कंप्लीट हुआ मूल दृष्टि अंग का। कल हम उपगुहन अंग की स्टोरी पढ़ेंगे जिनेंद्र भक्त सेठ की। आज के प्रकरण में किसी को अगर कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम सब अपना विवेक लगाएं और सच्चे मार्ग पर चलें, इसी भावना के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई अहानत उपकारी है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है। सभी को सादर जय जिनेंद्र।